नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हसनगंज में सिपाही का हुआ अंतिम संस्कार दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी मौत। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के आदमपुर बरेठी निवासी सुनील कुमार रावत पुत्र राजा राम, जो कि वर्तमान में सीतापुर के थाना तंबौर में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात थे व लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ रहते थे, बुधवार देर रात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनकी आईडी से शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जो बृहस्पतिवार को गृह जनपद उन्नाव के हसनगंज आदमपुर बरेठी आया, जहां पर एसडीएम रामदेव निषाद का संतोष सिंह सहित कोतवाली पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम संस्कार कराया। लक्ष्मीबाई अस्पताल के पास हुई घटना। पटरी पार करते वक्त हुआ हादसा। सिपाही सुनील कुमार रावत पत्नी अनीता रावत के साथ रहते थे। तालकटोरा पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात करीब 12 बजे रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल के सामने सुनील की ट्रेन की चपेट में आकर मौत की सूचना मिली थी। सिपाही सुनील की तैनाती सीतापुर कोर्ट में थी। बताया जा रहा है कि पटरी पार करते वक्त हादसा हुआ है। मृतक सिपाही सुनील के भाई अनिल ने बताया कि सुनील की यूपी पुलिस में 1995 में भर्ती हुई थी। वो मुख्य आरक्षी के पद पर सीतापुर में थाना तंबौर में पैरोकार पद पर तैनात थे। वो 5 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहे थे। बुधवार रात को काम से घर से निकले थे। रात को दुर्घटना की सूचना की जानकारी हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।